हाय, मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बार्ड। आज जो है हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो हम लोग विविध टॉपिक से लिए हैं। कुछ बच्चे का यूट्यूब के लिंक बॉक्स में कमेंट किया गया था सर कि विविध से कोई भी वीडियो नहीं बनाया गया। तो देखिए, एक्चुअली विविध से वीडियो बनाने के पीछे जो था कि उसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने का कंसेप्ट तो था नहीं, प्लस बहुत सारा ऐसा टॉपिक है सर, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, लेकिन फिर भी चूंकि आपका जो भी च्वाइस है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, तो हम लोगों ने विविध टॉपिक से एक वीडियो को चूज किया। वो वीडियो था प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। अब देखिए, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज की बात करते हैं, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, तो होता क्या दरअसल कि जितने भी गवर्नमेंट्स होते हैं सबका एक अलग अलग डॉक्यूमेंट होता है। बहुत सारे का डॉक्यूमेंट्स येलो पेपर में होता है, किसी का ब्लू में होता है, किसी का ग्रीन में होता है, किसी का ग्रे में होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ ताकि ये पता चल जाए, जैसे मान लीजिए था कि हमने आपको बोला ना कि येलो बुक, तो येलो बुक मान लीजिए फ्रांस का होता, होता भी है फ्रांस का, तो जो भी येलो बुक होगा तो हम समझ जाएंगे जिसमें फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट और प्रकाशन का चर्चा किया गया। तो ठीक उसी तरीके से आठ हमारे पास है, हम लोग दो पार्ट में शुरू करके ले रहे हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, एक बार में पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्लास में भी ये ऑलरेडी पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं। स्टार्टिंग का फर्स्ट फोर लिया गया है, येलो बुक, ऑरेंज बुक, ग्रीन बुक और व्हाइट बुक। अब जैसे देखिए, येलो बुक, येलो बुक जो है ये एक सरकारी दस्तावेज है, किस देश का है, तो ये है आपका फ्रांस का। किसका है? फ्रांस सरकार का सरकारी रिपोर्ट को बोलते हैं ये को। ठीक है, तो फ्रांस, ठीक है, येलो बुक का जो संबंध है, येलो मतलब क्या होता है जी, पीला, ठीक है, ऐसे समझिए। तो उसका संबंध किससे? फ्रांस सरकार का रिपोर्ट या प्रकाशन से है। अब एक सवाल है कि सर हम इसको याद कैसे करेंगे, ये तो किताब में भी लिखा है। अब देखिए, येलो मतलब पीला। आप जरा फ्रांस के झंडे को देखिए, जरा ध्यान से फ्रांस का झंडा जब आप देखेंगे ना तो उसमें येलो कलर आपको मिलेगा। फ्रांस का जब झंडा देखेंगे, उसका जो सरकारी झंडा है वो येलो कलर का है। कहीं ना कहीं ये चीज जो है, जितने भी आप पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उसके झंडे से संबंधित है, कहीं कहीं झंडे से नहीं संबंधित है, तो कहीं कहीं उसके ड्रेस से संबंधित है। तो येलो मतलब पीला, और पीला जो है फ्रांस का जो सरकारी झंडा है, नेशनल फ्लैग जो है फ्रांस का, उसमें आप देखेंगे, चूंकि सर्च करके देख लेंगे आप गूगल पे, वो पीले कलर में है। तो इस तरीके से याद रखें कि येलो बुक जो है वो फ्रांस सरकार की रिपोर्ट का प्रकाशन का चर्चा करेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट था वो ये था ऑरेंज बुक। अब देखिए ऑरेंज बुक, अब यहां पे क्या है, ऑरेंज बुक जो है वो नीदरलैंड का है। कहां का है? नीदरलैंड, नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। ठीक है, अब नीदरलैंड की बात करते हैं। अब देखिए नीदरलैंड पर हम चर्चा करते हैं। हमने आपको बताया था कि नीदरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसने आत्महत्या को कानूनी रूप दिया, कि वहां आत्महत्या लोग कानूनी रूप से वैलिड है वो। तो हम वहां पर भी चर्चा किए थे, फिर से चर्चा करते हैं कि नीदरलैंड का जो ड्रेस है, वहां के खिलाड़ियों का जो ड्रेस है वो ऑरेंज कलर में है, वो ऑरेंज कलर में है। ठीक है, नारंगी जिसको आप बोलते हैं। तो नीदरलैंड का जो खिलाड़ियों का है, आप इधर लिखते क्या, यहां पे जो प्लेयर्स है ना, जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी का जो आप कपड़े का जो कलर देखेंगे वो किस कलर का है, वो ऑरेंज कलर का। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि नीदरलैंड्स जो है वो वहां के जो खिलाड़ी है वो ऑरेंज कलर का पहनते हैं। तो इस तरीके से ऑरेंज बुक ये किसका हो गया, ये हो गया हमारा नीदरलैंड का। उसके बाद आते हैं ग्रीन बुक। देखिए ग्रीन बुक का तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। ग्रीन बुक जो है वो है इटली तथा ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। अब जैसे देखिए, जब आप बोलते हैं ना ग्री, अब जैसे देखिए थोड़ा सा आप यहां पे जो है प्रोनाउंसिएशन कीजिए उसको, ग्री ई। अब जैसे ग्री में ई बोलते हैं, ई वहां पे जोड़ पड़ता है ना, आप वहां पे जोड़ देते ई, ई फॉर इटली, ई फॉर ईरान। इस तरीके से याद रखें ग्रीन ई ग्री, तो फिर ये इटली और ईरान की जो सरकारी रिपोर्ट है, जो उसका प्रकाशन है, वो किस बुक में? ग्रीन बुक। यानी ग्रीन बुक का संबंध किससे है? इटली और ईरान से। क्लियर, चल आगे। अब हम लोग व्हाइट बुक की बात करते हैं। दरअसल देखिए व्हाइट बुक जो है ये तीन देश का है। किसका किसका है?
पुर्तगाल का है, जर्मनी का है और चीन का है। तो इसका जो ट्रिक बनाया गया क्या, मान लीजिए सोशल मीडिया पे भी वायरल होता था, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग कुछ नया बना रहे हैं। इसका एक ट्रिक था, गाल पे चीनी जमा दो, गाल पे चीनी जमा दो, ठीक है, क्योंकि ऐसे याद नहीं रखेंगे आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो गाल पे चीनी जमा दो, अब गाल देखिए ऐसे माना जाए ना, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, तीनों व्हाइट है, इतनी जनरली गाल भी व्हाइट कलर का होता है, चीनी भी व्हाइट कलर का होता है, और जमा मान लीजिए जमाना किसको जमाते, पानी को जमाते हैं ना जी, बर्फ पे जमाते हैं ना, बर्फ भी व्हाइट कलर का होता है, तो व्हाइट बुक, क्या कोई प्रॉब्लम, आसान से याद आ सकते हैं। हमने क्या बोला, गाल, तो गाल भी व्हाइट कलर का होता है जनरली, चीनी, चीनी भी व्हाइट कलर का होता है, जमा किसको जमाते हैं, तो आप पानी को जमाते हैं बर्फ के रूप में, तो बर्फ का कलर क्या होता है, या पानी का भी कलर तो व्हाइट के जैसा ही होता है, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से व्हाइट बुक याद रखेंगे, गाल पे चीनी जमा दो। गाल का मतलब क्या हो गया, गाल का मतलब हो गया पुर्तगाल, पुर्तगाली लोग भी बड़ा एकदम है ना सुंदर सुंदर सा लगता है देखने में। चीनी यानी चीन, चीन वाले भी लोग तो सुंदर सुंदर लगते हैं, ऐसा नहीं है, चीनी सैनिक को देखिए तो। जमा जर्मनी, अब देखिए ये एक ट्रिक तो था ही, गाल चीनी जमा जर्मनी, ऐसे याद रखें, अगर ये याद नहीं है तो आप ऐसे देखिए, जर्मनी में क्या पॉइंट है, मनी, मनी कैसा कमाना चाहिए हम लोग को, व्हाइट मनी कमाना चाहिए, ठीक है, व्हाइट मनी, वैसे भी याद रख लीजिए कि व्हाइट बुक, ठीक है। एक बार हम रिकॉल करवा दें आपको, येलो यानी पीला फ्रांस का झंडा होता है, इसलिए वो फ्रांस सरकार का सरकारी रिपोर्टर प्रकाशन का संबंध येलो बुक से है। नीदरलैंड की जो खिलाड़ी है वो ऑरेंज कलर का ड्रेस पहनते हैं, इसलिए उसका संबंध सरकारी रिपोर्ट में है ऑरेंज बुक से, ठीक। ग्रीन, ग्रीन में हमने क्या बोला, ग्री ई, ई पे हमने जोड़ दिया, ई फॉर इटली, ई फॉर ईरान, इसलिए इटली और ईरान का संबंध किससे, ग्रीन बुक से। फिर हमने बोला व्हाइट बुक, व्हाइट क्या क्या होता है भाई, गाल व्हाइट होता है, चीनी व्हाइट होता है, बर्फ यानी जो जमाते हैं वो व्हाइट होता है, तो गाल मतलब पुर्तगाल, चीनी मतलब चीन, और जमाना मतलब जर्मनी, और जर्मनी में मनी आता है, और मनी भी तो हमारा व्हाइट होता है, और हम लोग को व्हाइट कमाना भी चाहिए ना, व्हाइट मनी, क्लियर, चलिए ठीक है। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ले लीजिए। तो इस तरीके से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के पीछे का मेरा क्या उद्देश्य, स्क्रीनशॉट लेने का उद्देश्य यह है कि जब आप पीडीएफ बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि संस्थान जुलाई से खुल रहा है, यानी हम लोग नेक्स्ट मंथ से हम लोग क्लासरूम में होंगे, और अभी हम लोग चूंकि लाइव क्लास तो अभी तक हम लोग स्टार्ट नहीं किए थे ना, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आ रहे थे, लाइव क्लास के लिए हम लोग कुछ बच्चे का चयन करेंगे, जिसको हम जूम ऐप की सहायता से लाइव क्लास के बारे में बताएंगे, कुछ बच्चों को कॉल करेंगे, तो वो बच्चा आएगा, बिल्कुल, कैसे आना है आपको, तो वैसे यार पढ़ाई के लिए तो आना नहीं है ना, आपको बस ऑनलाइन के लिए आना है कि जूम ऐप पे आप कैसे पढ़ाई करेंगे, और हम आपको जिन जिन बच्चों को बुलाना होगा, जो हमारे बच्चे लोकल है या जो आना चाहते हैं वो आएंगे, तो कुछ बच्चों को बुलाएंगे 10-15 की संख्या में, ताकि हम उनको ऑनलाइन क्लास का जो भी तरीका है, ताकि बच्चों को पता नहीं है ना, इसलिए हम लोग लाइव नहीं दे पाए, फिर हम लोग लाइव क्लास कुछ दिन भी रखेंगे, लाइव का भी मजा हम लोग लेंगे, तो जो जो बच्चे आना चाहेंगे हम उनको पर्सनली कॉल कर लेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और फोन कॉल के माध्यम से भी, वो बच्चे आ जाएंगे एंड्रॉइड फोन वाले, फिर जूम ऐप पे हम आपको सिखा देंगे, फिर आप आराम से घर बैठे लाइव क्लास करेंगे, लाइव क्वेश्चन पूछेंगे, लाइव हम जवाब देंगे, कितना बेहतर होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अब जो है, चार हमने बताया, चार और है, इसलिए अब जो है आप लोग तैयारी कीजिए, क्लास भी नेक्स्ट मंथ में खुलेगा ही, और हम पहले भी बोल चुके हैं, एक बार फिर रिकॉल कर दे, हम लोग 11 बजे से 2 बजे तक तो यहाँ होते हैं, अब ऐसा कुछ तो है नहीं कि ट्रैफिक व्राफिक का कोई प्रॉब्लम है किसी के पास, अब तो सब कुछ खुल गया, जो बच्चा को कुछ सवाल हो तो वो पर्सनली आके पूछ सकता है, हम लोग हम रहते हैं, अमित सर रहते हैं, अवेलेबल है, जरूरत पड़ेगा तो बोलेंगे, तो कन्हैया सर को भी हम लोग बुलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग ब्लू बुक का, ब्लू बुक, एक ब्लू बुक था और एक क्या था जी, बहुत सारा था ना, ऑरेंज बुक, व्हाइट पेपर, व्हाइट अंग्रेजी में लिख देते हैं, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा व्हाइट पेपर, एक था व्हाइट बुक, ध्यान रखिएगा, अभी हमने जो पढ़ा गाल पे चीनी जमा दो वो व्हाइट बुक था, और ये है आपका व्हाइट पेपर, फिर एक था हमारा ग्रे बुक, ग्रे बुक, ठीक है, और एक था वो तो
नॉर्मली सबको याद ही रहता है, ज्वाइंट पेपर, ज्वाइंट पेपर। अब देखिए हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ब्लू बुक, अब ब्लू बुक, ब्लू बुक का संबंध पता है किससे? ब्रिटिश सरकार का सरकारी दस्तावेज, ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट, दस्तावेज, प्रकाशन, बहुत सारा चीज बोल सकते हैं। अब जैसे देखिए ब्लू, बस से ब्लू, बस से ब्रिटिश, क्या कोई प्रॉब्लम? ये ऐसे कीजिए ना, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। ब्लू रंग का क्या पहनते हैं? टी शर्ट। क्या पहनते हैं ब्लू रंग का? टी शर्ट, है ना, ये टी, ब्रिटिश, याद करना है बस हमको। यहां पे कुछ है तो नहीं कुछ, बस याद कर लेना, ऐसे भी याद कर सकते हैं, बस से ब्लू, बस से ब्रिटिश। चलिए आगे बढ़े, ठीक। अब देखिए व्हाइट पेपर की बात आता है, तो भाई अगर व्हाइट पेपर की बात आता है तो व्हाइट कौन कौन, कहां वाले लोग हैं? तो व्हाइट ब्रिटेन वाले लोग हैं, यानी अंग्रेज कैसा होता है? व्हाइट तो पाले तो ब्रिटेन, समझते जाइएगा, ब्रिटेन एक और देश है, और वो देश हम है, हमारा देश है भारत। और भारत में व्हाइट पेपर तो जानते हैं सबसे ज्यादा बनता है चाइना के बाद, तो ब्रिटेन तथा भारत, ये तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा भाई। काले गोरे का लड़ाई हमारे यहां होता था ना, दक्षिण अफ्रीका में लड़े हुए तो महात्मा गांधी थे। तो व्हाइट पेपर का संबंध जो है ब्रिटेन, चूंकि वो व्हाइट देश है, बिल्कुल गोरे गोरे लोग वहां होते, तो ब्रिटेन तथा भारत का जो सरकारी रिपोर्ट है, जो सरकारी दस्तावेज है, वो व्हाइट पेपर पे होता है। और हम लोग क्या व्हाइट पेपर देखिए चलता भी है बहुत सारा। उसके बाद आया ग्रे बुक, ग्रे, देखिए फिर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, उच्चारण पे, ग्रे, ए, जो ऐसा क्या बोले ग्रे, तो ए मतलब ऐसे देखिए बेल्जियम। अब देखिए ग्रे, ए, बे, ठीक है, बस याद करेंगे ना, तो वहां पे तो ऑप्शन होगा ना, चूंकि वहां तो ऐसा तो नहीं कि विदाउट ऑप्शन आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो, या ऐसा कोई एग्जाम हैंड भी नहीं किया जाता हमारे यहां, तो वहां पे ऑप्शन होगा ग्रे, बे, ए, दोनों मार गया उच्चारण। जैसे क्या ग्रीन में क्या पढ़े थे? ग्री, ई, इटली, ईरान, ठीक है, तो बेल्जियम, और इसके साथ साथ जापान। अब कह सर जापान कैसे याद रखेंगे? फिर एकदम याद रखेंगे, क्यों नहीं याद रखेंगे? ग्रे, ग्रे मतलब ऐसे समझे गिरना, कहां गिरा था जी? जापान में। क्या गिरा था जी? तो परमाणु बम गिरा था। कब गिरा था? तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा में 6 अगस्त, नागासाकी में 9 अगस्त, लिटिल मैन और फैट बॉय के नाम से बहुत सारा जीके याद हो गया हम लोग को। तो ग्रे, बे, बेल्जियम, ग्रे, ए, ठीक है। अब एक ज्वाइंट पेपर, देखिए सर ज्वाइंट पेपर का जो संबंध है वो किसी देश से नहीं है, ये क्या है? दो या दो से अधिक देशों का। ज्वाइंट मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक देशों का, देशों का सरकारी दस्तावेज। ठीक है, तो ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक देशों का सरकारी दस्तावेज। तो ये जो हमारा पॉइंट था, ये था हमारा प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। फिर से रिकॉल करवा दे, बस से ब्लू, बस से ब्रिटिश, व्हाइट तो ब्रिटेन वाला व्हाइट, और हम साथ में यानी भारत साथ में, ग्रे, ए, बेल्जियम, ग्रे, गिरना, कहां गिरा? जापान में गिरा, ठीक। ज्वाइंट पेपर, ज्वाइंट मतलब दो या दो से अधिक देशों का सरकारी दस्तावेज ज्वाइंट पेपर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और हमने बोला हम 5-5 बच्चों को, 6-6 बच्चों को बुलाकर जो है हम आपको ऑनलाइन लाइव क्लास का ट्रेनिंग बस 2-4 दिनों में आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, या जो बच्चे चाहेंगे वो हमको यूट्यूब के लिंक पे या हमारे मेंटर कम्युनिटी क्लासेस के ग्रुप में आकर बोलेंगे, तो हम वैसे बच्चों को बुलाकर जूम ऐप की सहायता से फिर हम लोग लाइव क्लास चलाएंगे, ताकि आप वहां पे लाइव सवाल पूछ सके, लाइव हम उसका जवाब दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।